लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। जहां लोकसभा चुनाव में नेता जमकर बयानबाजी कर राजनीतिक माहौल को गर्म किए हुए हैं, वहीं इंदौर के एक ऐसे संत हैं जो अपनी बयानबाजी के कारण काफी सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर संत कंप्यूटर बाबा ने इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी के लिए मोर्चा पकड़ा है। वह इंदौर में गली गली घूमकर पंकज संघवी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से बातचीत के दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाया। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े झूठे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे शिवराज सिंह चौहान। जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को उखाड़ फेंका था, उसी तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को भी जनता उखाड़ फेंकेगी। भोपाल सीट को लेकर कहा, बीजेपी ने प्रज्ञा भारती को बलि का बकरा बनाया क्योंकि दिग्विजय के सामने चुनाव लड़ने में बीजेपी के कई दिग्गज डर रहे थे। कि हम पूरे संत समाज उनके साथ इसलिए हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को समर्थन इसलिए दिया है कि मोदी जी ने झूठ बोला है। और पूरा संत समाज अपने अपने स्तर से अपने अपने लोकसभा में लगा हुआ है पूरे देश में इनकी कम सीट करने के लिए, क्योंकि मोदी अब कम से कम 100 सीट कम होंगी इनकी और ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पंकज को जिताना हमें संत समाज को इसीलिए ज़रूरी है कि वहाँ मोदी की सीट कम होने के कारण हमें पंकज को भेजना पड़ेगा। और कांग्रेस को इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं कि हम कांग्रेस से कहेंगे, हम राहुल गांधी से कहेंगे, महागठबंधन से कहेंगे कि आप राम मंदिर बनाएं, इस पर भरोसा तो खत्म हो गया। माननीय मोदी से तो भरोसा पूरे संत समाज का, 125 करोड़ जनता का भरोसा खत्म हो गया। फिलहाल कंप्यूटर बाबा ने जमकर बीजेपी के कई नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए।